हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मेरे चेहरे पे राधे की जो आपको लिखावट होगी वो दिख रही होगी। और राधे का नाम श्याम के बिना पूरा नहीं होता है। और इस टाइम मैं हूं राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि यहाँ पर मैं आऊँ, दर्शन करूँ, वीडियो बनाऊँ और यहाँ की जानकारी दूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आप सभी के लिए और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए भी। और आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं, दर्शन क्यों कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये मंदिर फिर से ओपन हुआ है 6 फरवरी को। और इस बार काफ़ी बड़ा बन चुका है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। कैसा हो चुका है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नई इन्फॉर्मेशन है, कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कितना खर्चा होगा, हर इन्फॉर्मेशन को समेट के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो पूरी वीडियो को पूरी जानकारी के लिए ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए खाटू श्याम जी के दर्शन। खाटू श्याम जी तक के जाने के लिए बस के लिए मैं आया हूँ जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड। सिंधी कैंप बस स्टैंड कहाँ पर है? जयपुर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर आप 10 से 20 रुपए ई रिक्शा वाले को देकर आ सकते हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड पर। और ये बस स्टैंड है, काफ़ी बड़ा सा है बस स्टैंड। बाहर से प्राइवेट बसेस जाती हैं और अंदर से यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट की बसेज है वो जाती हैं। तो खाटू श्याम जी की जो बस है वो 4 नंबर से मिलती है और यहाँ पर आप आकर भी पता कर सकते हैं। प्राइवेट बसेस भी कुछ जाती हैं, बहुत सारी जगहों के लिए यहाँ से बसेस जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं कि फेयर कितना लगता है किराया। खाटू श्याम जी का नियर बाय रेलवे स्टेशन रिंगस का है, जो कि मेन मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, इसलिए बाय बस यहाँ पहुँचना सबसे आसान होता है। खाटू श्याम जी के लिए जो बस है वो ये रही बस, और लिखा भी हुआ है इसमें जयपुर से खाटू श्याम जी, और ये डायरेक्ट खाटू श्याम जी तक ही जाती है। अगर आप डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो रिंगस तक जा सकते हैं, वहाँ की भी मिल सकती है और रिंगस रेलवे स्टेशन भी है। अब टिकट की बात करते हैं, ये रहा टिकट, ये रेलवे के टिकट के जैसा ही है। जो चार्ज है वो मेल के लिए मतलब पुरुषों के लिए 81 रुपीज़ है, जबकि महिलाओं के लिए 61 रुपीज़ का एक टिकट है। तो यही बस जाती है और आपको फेयर मैंने बता ही दिया है। और ईज़िली आपको ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मिल जाएगी, खिड़की नंबर 2 है। खिड़की में पहले ही पूछ लें कि खाटू श्याम जी का मिल रहा है कि नहीं वहाँ से, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है। लिखा होता है दूसरे टिकट काउंटर पर पर मिलता दूसरे पे, तो इस बात का ध्यान रख के बाकी चलते हैं, देखते हैं अब समय कितना लगता है खाटू श्याम जी तक पहुँचने में। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर से आपको प्राइवेट बसेस और एसी बसेस भी खाटू श्याम जी के लिए मिल जाएगी। हालांकि इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और टाइमिंग्स भी फिक्स नहीं होती है, जबकि दिल्ली हरियाणा से भी कुछ डायरेक्ट बसेस खाटू श्याम जी के लिए मिल जाती है, जिन्हें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पैदल जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ भी जाते हैं और बाकी ये झंडे लेके दिखेंगे। अगर आप यहाँ रिंगस रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप शेयरिंग जीप से 50 रुपए प्रति व्यक्ति देकर खाटू श्याम जी तक पहुँच सकते हैं। जब मेला चलता है तो यहाँ पर रूट चेंज हो जाता है, इसी पे बस नहीं, मेले में वन वे कर देते हैं। अच्छा, वन वे आया पलसन और फिर इधर से आना पड़ता है। अच्छा, अभी 22 तारीख बाद में करेंगे, 22 से 3 मार्च तक। पहली बार आप आ रहे हो? हाँ, पहली बार। पहली बार कहाँ से आ रहे हो आप? इंदौर से। बढ़िया, बड़ी इच्छा थी आने की हमारी भी थी, पहुँच गए इसीलिए। आप भी पहली बार? बुलावा आ गया। तो जो बस आती है वही बस जाती है, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे भीड़ लगी हुई है लोगों के गेट पर। लोगों ने रुमाल रखवा दिया हम लोगों से, अपनी सीट पे रुमाल रखवा दिया, पहले से रिजर्व हो गई।
खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर मैं आ गया हूँ और बस स्टैंड छोटा सा ही है ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, और अलग अलग जगहों से जहाँ जहाँ से भी बस आई है, ये आप देख रहे होंगे उदयपुर से आई है, माधोपुर से आई हुई है बसेस, सो जो भी बसेस आई हैं यहीं पर लगी हुई हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पर लाइन लगी हुई है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर टिकट जो होता है वो नहीं मिलता है, मतलब काउंटर पे नहीं मिलता है, आपको अंदर जाकर ही लेना होता है। तो ऐसा नहीं कि आप आएँ और एडवांस में ले लें, आपको दर्शन करने के बाद आप आना फिर अंदर ऐसे ही लाइन में लग के लेना होगा, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और बाकी भीड़ भाड़ होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है बाकी टाइमिंग जब होता है मेले वगैरह की बसेस की। बाकी यहाँ से ई रिक्शा वाले हैं जो कि कितने में भैया पहुँचाते हो मंदिर तक, कितने में पहुँचाते हो? 20 रुपये सवारी 20 रुपये सवारी में आपको पहुँचा देंगे मंदिर तक, और ई रिक्शा यहाँ पर आपको कई सारा मिल जाएगा। जयपुर से खाटू श्याम जी पहुँचने में मात्र 2 से 3 घंटे लगते हैं और बस स्टैंड के ठीक सामने ही आपको कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और ई रिक्शा आपको मंदिर के काफी पहले ही ड्रॉप करते हैं। यहाँ जगह जगह रास्ते में पीने के पानी की फ्री सुविधा भी मिलती है। ये रास्ते ज्यादा भीड़ के दौरान कई बार डाइवर्ट भी किए जाते हैं, जिससे आपको शायद थोड़ा ज्यादा चलना पड़ सकता है। मंदिर मैंने पूछा है, पास में ही है और मंदिर के आसपास में ही यहाँ पर बहुत सारे होटल है, रेस्टोरेंट है, मतलब खाने पीने रहने सबकी सुविधा आपको यहीं आसपास में ही मिल जाएगी। यहीं पर मार्केट वगैरह भी है, तो ये जो स्थान है यहाँ से अभी ज़्यादा दूर नहीं चलना है, मुश्किल से 4-5 मिनट और चलना है और फिर उसके बाद खाटू श्याम जी के मंदिर के करीब और पहुँच जाएंगे। बाकी रहना वगैरह चाहते हैं यहाँ पर धर्मशाला भी है, होटल भी है, तो जैसी आप सुविधा चाहते हैं हर तरह के मिल जाएंगे, मतलब नॉर्मल रेंज से 500 रुपये से लेके और धर्मशाला तो और भी कम में मिल जाएंगे आपको, और ज़्यादा में चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी है, 1000-1500 में तो आपको अच्छे होटल यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि मेले या सीजन के दौरान यही होटल्स आपको दुगने दाम पर भी मिल सकते हैं। हमारे खाटू श्याम जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है, और इनकी कहानी चली आ रही है महाभारत काल से। अब इनकी कहानी किस पर है? महाभारत काल में हिडिंबा और भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र बर्बरीक थे और उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था उसी दौरान बर्बरीक चाहते थे, वो युद्ध देखना चाहते थे, तो वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो कि पहले से महाभारत के युद्ध का परिणाम जानते थे, वो सोचे कुछ परिणाम में इनके आने की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इस वजह से वो उनको रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धरे और फिर उसके बाद बर्बरीक जी के पास गए और उनसे पूछा कि भाई आप युद्ध देखना चाहते हो तो आप किसकी तरफ हो? तो उन्होंने बोला कि जो भी हार रहा होगा उनकी तरफ होंगे। तो श्री कृष्ण जो कि जानते थे कि परिणाम क्या होगा, तो वो क्या किए, उनको रोकने के लिए उन्होंने, क्योंकि बर्बरीक काफ़ी शक्तिशाली थे, इस वजह से उनको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था, उन्होंने उनका शीश मांग लिया दान में, और वो भी बहुत बड़े दानी थे बर्बरीक, और उन्होंने भी अपना शीश दान कर दिया श्री कृष्ण को। फिर उसके बाद क्या हुआ,
कि उन्होंने फिर भी कहा कि भाई उनको महाभारत का युद्ध देखना है बलभद्र जी को। तो श्री कृष्ण जी ने उनका शीश ले गए और वहाँ पे एक ऊंचे स्थान पर रख दिया और पूरे महाभारत को युद्ध उन्होंने देखा। युद्ध होने के पश्चात हुआ क्या कि जो पांडव थे वो आपस में विवाद कर रहे थे कि भाई हमारी वजह से युद्ध का श्रेय लेना चाह रहे थे, विजय का श्रेय लेना चाह रहे थे आपस में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई बलभद्र बताएंगे कि भाई किसकी वजह से जीते हैं। तो बलभद्र ने बोला कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से जीत हुई है और श्री कृष्ण ही हैं इस, मतलब उन्होंने ही, उन्हीं की वजह से जीत हुई है। तो श्री कृष्ण काफ़ी प्रसन्न हुए हैं उनके उत्तर से और उन्होंने ये उनको बोला कि कलयुग में उनको पूजा जाएगा उन्हीं के नाम श्याम से, यहाँ पर हमारे खाटू श्याम जी में। तो उनकी खाटू श्याम जी में स्थापना हुई और तब से पूजे जा रहे हैं और हम आ रहे हैं और हमारे जैसे लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये कहानी थी यहाँ की। बाकी हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा बाबा का सहारा है, तो खाटू नरेश की जय जयकार करिए और आप भी यहाँ पर आ जाइए। खाटू श्याम जी मंदिर में पिछले साल भीड़ की वजह से भगदड़ हो गई थी, जिसके बाद मंदिर लगभग 2 महीने से बंद था और अभी मंदिर का पुनर्निर्माण करके 6 फरवरी 2023 को फिर से ओपन किया गया है, जिसके बाद अब यहां पहले जैसे लोग तो आते हैं पर भीड़ भाड़ की स्थिति नहीं होती। हालांकि मंदिर की लोकेशन को लेकर गूगल मैप में कंफ्यूजन है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने करेक्ट लोकेशन की लिंक दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने मंगाया मटर पनीर लिया है और बाकी आप थाली ले सकते हैं। यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं जहाँ पे 100 रुपये में आपको थाली मिल जाती है, इससे कम में भी आपको मिल जाएगी कुछ जगहों पर। और बाकी ये रहा मेन्यू जिसमें आप देख सकते हैं रेट्स वगैरह, शाही पनीर 140, मटर पनीर 130, इसी तरह से रेट है। रोटी वगैरह अगर आप लेते हैं तो 8 रुपये मिनिमम रेट है, तो इससे कम में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो मतलब आप 100 रुपये में भर पेट यहाँ पे खाना खा सकते हैं कई जगहों पर। खाटू श्याम जी का मंदिर का मेन गेट आ गया है और ये अभी देख रहे होंगे आप अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके आगे कैमरा वगैरह अलाउ है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, जाके पता चलेगा, खुद ही रखवाएंगे। बाय द वे यहाँ पर आप चप्पल जूते वगैरह यहीं पर उतार सकते हैं दुकानों पर। और यहाँ पे मतलब पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं कई सारी और रोड्स वगैरह अभी नई नई बनी हैं। अभी चूँकि 6 फरवरी को ही ये ओपन हुआ है, उतने दिन से काफ़ी लगभग नवंबर से ये बंद था और इसीलिए लोग भी अब धीरे धीरे आएंगे यहाँ पर और आगे मेला भी लगने वाला है, तो वहाँ भी मेला में भी काफ़ी भीड़ होगा। 22 फरवरी से मेला लग रहा है और दुल्हंडी तक चलता है, मतलब होली के एक दिन पहले तक ये चलता रहता है मेला। बाकी अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के और आपको भी बताते हैं कैसा हुआ है दर्शन। मंदिर के प्रीमाइसेस में तो आ गए हैं और यहाँ पर कैमरा भी अलाउ है, बैग वैग अभी सब ले जा सकते हैं। अब आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं वो आगे पता चलेगा। मंदिर के अंदर भी प्रसाद की कुछ दुकानें हैं और मंदिर की बिल्डिंग पर लगे LED स्क्रीन पर आपको खाटू नरेश जी के पहले ही दर्शन हो जाते हैं। लेकिन असली संतुष्टि तो तब मिली जब खाटू श्याम जी के दर्शन ठीक सामने से हुए। खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पर पीछे ही यहाँ पर है मंदिर और बहुत आराम से 1 मिनट में दर्शन हो गए। मतलब अब थोड़ा इत्मीनान से बता देता हूँ कि दर्शन हुए कैसे। दर्शन तुरंत हो गए, 1 मिनट के अंदर हो गए और मतलब बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, बैरिकेडिंग प्रॉपर लग गई है और मंदिर का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ही ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर ही खाटू श्याम जी हैं हमारे और दूर से ही दर्शन होते हैं। पहले जिन्होंने भी बताया मुझे कि पहले जो दर्शन होते थे वो पास से होते थे, काफ़ी करीब से होते थे, लेकिन भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है धीरे धीरे बढ़ते हुए, हमारे खाटू श्याम जी इतने मशहूर हो गए हैं तो काफ़ी दूर दूर से लोग आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है वो अभी आपकी कम लगेगी आपको आने वाले समय में, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। बाकी आगे जो मेला आएगा उस टाइम आपको भीड़ ज़रूर मिलेगी, भले कितना मैनेजमेंट हो जाए, लोग जब ज़्यादा आ जाते हैं तो भीड़ तो हो ही जाती है, तो कुछ ऐसा रहेगा। तो मेला जो होगा वो होगा 22 फरवरी से लेके लगभग 2 या 3 मार्च तक या 4 मार्च तक, दुल्हंडी जो कि होली के एक दिन पहले तक
यहाँ पे चलता रहता है मेला, तो उस टाइम आप आए आने वाले समय में, बाकी यहाँ पे दर्शन करें आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही शांति से बहुत ही आराम से फिलहाल मेरा दर्शन हो गया। अगर आप वीक डेज में आते हैं तो फिलहाल ऐसे ही दर्शन हो जाएंगे। खाटू श्याम जी के लिए आप यहाँ 10 से 11 बजे तक सुबह तक पहुँच जाएं, जिससे आप दर्शन करके शाम को ही यहाँ बिना रुके वापस घर के लिए निकल सकते हैं। अब आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि दर्शन आपको कैसे करना चाहिए। तो दर्शन की पहले तो टाइमिंग आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मंदिर जो ओपन होता है वो 24 घंटे मंदिर ओपन होता है, तो आप किसी भी टाइम में आके यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, दर्शन आपको करना कैसे है, दर्शन के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला गेट है। अब इसके अंदर आप जब जाएंगे तो बैरिकेडिंग बहुत सारी है, अगर आपको आगे से दर्शन करना है तो इधर वाली बैरिकेडिंग में आप जाएं ताकि आप आराम से दर्शन कर लें। अब एक और बात, जो जूते चप्पल आपको उतारने चाहिए वो यहाँ पे नहीं उतारने चाहिए, नहीं तो आपको फिर से पीछे मंदिर जहाँ से आपका एग्जिट होगा फिर से वापस इधर आना पड़ेगा और जूते लेकर आपको बाहर से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जहाँ पर मंदिर कमेटी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा बोर्ड बना हुआ है, वहाँ से आप वहीं पर आप किसी दुकान में या किसी जगह पर जूते चप्पल अपने उतार दें और फिर उसके बाद आप पैदल ही आए बिना चप्पलों के यहाँ तक और दर्शन कर लें, ताकि उस पार से जब आप निकलें तो आप आराम से अपने जूते चप्पल जो भी हैं वो ले सकें। अब होटल वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर आप ये देखेंगे ये छोटे छोटे यहाँ पर कुछ छोटे भी हैं बड़े हैं, हर तरह के यहाँ पर होटल रूम सब बने हुए हैं, साफ़ सफाई यहाँ पर रेगुलर चलती रहती है। और ये रोड भी जो आप देख रहे हैं ये अभी नई नई तैयार हुई है, ये बिल्डिंग से ये देख रहे होंगे कुछ टूट रही हैं, टूट के नई यहाँ पे बन रही हैं। और ये सब देखेंगे आप वात्सल्य भवन, यहाँ पर रहने वगैरह के लिए भी अरेंजमेंट के लिए कई सारी यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं मंदिर के ठीक सामने ही। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लें, आप थोड़ा दूर भी ले सकते हैं, वहाँ सस्ते पड़ जाएंगे, यहाँ पर आपको कॉस्टली पड़ेगी। मंदिर में प्रसाद की बात करें तो प्रसाद वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं चढ़ता है, तो प्रसाद चाहें तो ले जाएं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है, पर प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ता है। और जो यहाँ पे चढ़ता है वो खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है, वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको लिए हुए दिखाई देंगे। तो दर्शन भी कर लो, दर्शन कर लिए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल यहाँ पर दर्शन कुछ इस तरह से होते हैं, और ये जो बैंड बाजे की आवाज़ आपको दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, यहाँ पर ये होता रहता है, यहाँ पर लोग पूरे गाजे बाजे के साथ आते हैं, यही यहाँ की खास बात भी होती है। खर्चा भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ही ये थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पर जश्न चलता रहता है यहाँ पर। खाटू श्याम जी घूमने का खर्चा मैं बता देता हूँ आपको, बहुत कम है यहाँ पर, अगर आप चाह लें तो। भाई दर्शन करना चाहते हैं तो बस आने की इच्छा होनी चाहिए, खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ आपको आने के लिए, आप किसी भी शहर में रहते हो, आप जयपुर में आ जाएं, जयपुर से मात्र आपके 80 रुपये लगेंगे बस से और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और 80 रुपये वापस जाने के, मतलब 160 रुपये आपका आना और जाने का खर्चा होगा। इसके बाद होटल की बात करें तो होटल या धर्मशाला आपको 500-300 में भी मिल जाएगा यहाँ पे, धर्मशाला वगैरह, और अगर बजट है तो 1000 रुपये तक मैक्स जा सकते हैं आप होटल के लिए। बाकी इसके अलावा खाने पीने की खर्चे की बात करें तो वो भी 500 रुपये का खर्चा है। तो ओवरऑल अगर आप मान के चल रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन और यहाँ होटल वगैरह के साथ में पूरा करना चाहते हैं तो आपका मात्र 2000 रुपये लगेगा, 2000 रुपये में आप दर्शन कर सकते हैं, इवन इससे कम में भी कर सकते हैं। वही जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जिस भी शहर से आ रहे हैं जयपुर आ जाए, जयपुर से बस यहाँ पर आए 80 रुपये लगेगा, फिर यहाँ दर्शन करके खाना पीना खा के फिर चले जाएँ, मतलब चाहे तो 700-800 में आपका काम पूरा हो जाएगा। सो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी खाटू श्याम जी के लिए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा आपका यहाँ ना आने का, आप आए ज़रूर यहाँ पे दर्शन करें। और आने वाले समय में 22 फरवरी से लेके और होली के एक दिन पहले तक यहाँ पर पूरी फेस्टिवल होता है, मेला होता है, तो उस टाइम आप आएंगे तो थोड़ी भीड़ भाड़ रश मिलेगी, जन्माष्टमी में काफ़ी भीड़ होती है, ये सब थोड़े भीड़ भाड़ वाले टाइम है, तो इस टाइम
चाहे तो आएँ, अलग ही माहौल होता है, और चाहे अगर बचना चाहते हैं तो बाकी टाइम में आ सकते हैं भाई, बाबा के दर्शन करने कभी भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये इन्फॉर्मेशन थी, और भी कोई ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जय खाटू नरेश की।